गुड मॉर्निंग। आज हम लोग विज्ञान में पाठ 5 से पढ़ेंगे। पाठ का नाम है हवा द एयर। तो यहाँ प्रश्नों के उत्तर देना है। जैसे कि दिया गया वायुमंडल किसे कहते हैं, तो पृथ्वी के ऊपर वायु के घेरे को वायुमंडल कहते हैं। पवन का 2 उपयोग बताओ, तो तेज पवन से पवन चक्कियाँ चलती है, इससे आटा चक्कियाँ भी चलाई जाती है। तेज पवन से पवन चक्की चलती है और इससे आटा चक्कियाँ भी चलती है। और पवन की दिशा किस यंत्र से ज्ञात करते हैं, तो पवन की दिशा पवन सूचक यंत्र से ज्ञात करते हैं। किस समय की हवा शुद्ध होती है, तो हो जाएगा प्रातः काल की हवा शुद्ध होती है। मुख्यतः कौन कौन वस्तुएं हवा को दूषित करती है, धूल कण तथा धुआं हवा को प्रदूषित करते हैं। दुर्गंधयुक्त वस्तुओं के संपर्क से भी हवा दूषित होती है। हवा धूल धुआं से प्रदूषित होते हैं और दुर्गंधयुक्त वस्तुओं जैसे जानवरों के मरने सड़ने गलने से भी हवा दूषित होती है। प्रकृति में हवा कैसे शुद्ध बनती है, प्रकृति में हवा पेड़ पौधे से शुद्ध बनती है। हवा पेड़ पौधे के रहने से शुद्ध होती है। पवन चक्कियाँ कैसे चलती है, तेज पवन से पवन चक्कियाँ चलती है। फिर दिया गया खाली स्थान को भरना है। यहाँ ऑप्शन दिया गया है, इसमें से पीछे दिया गया खाली स्थान इसे भरना है। तो पीछे देखते हैं, यहाँ दिया गया हवा में जल वाष्प तथा मिलते रहते हैं, तो क्या भर देंगे, जल धूल और धुआं मिलते रहते हैं जल वाष्प में। फिर दिया गया वस्तुओं के सड़ने से प्रदूषित होती है, तो अभी हमने बताया था वस्तुओं के सड़ने से वायु प्रदूषित होती है। स्वास्थ्य के लिए शुद्ध वायु का होना आवश्यक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, शुद्ध ये हो जाएगा। फिर दिया गया धूल तथा धुआं मिली हवा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसके लिए हानिकारक होगा, स्वास्थ्य, यहाँ स्वास्थ्य भर देंगे। फिर प्रदूषित वायु को शुद्ध बनाते हैं, कौन बनाते हैं, पेड़ पौधे प्रदूषित वायु को शुद्ध बनाते हैं। फिर दिया गया है पवन लगाती है, पवन बल लगाती है। फिर पवन से वाली नौकाएं चलती है, कौन सी नौका, पाल वाली नौका चलती है। फिर यहाँ दिया गया है जो शब्द गलत है उसे काटना है, तो जैसे दिया गया धुआं से हमारे फेफड़ों को लाभ हानि पहुँचती है, तो हानि पहुँचती है, लाभ नहीं होगा, लाभ को काट देंगे। फिर गतिशील वायु को पवन समीर कहते हैं, पवन कहते हैं समीर नहीं, समीर गलत हो जाएगा। फिर तालाब के पानी की सतह गर्मियों में घट बढ़ जाती है, गर्मी में क्या होगा, घट जाती है, बढ़ती नहीं है, तो बढ़ने को काट देंगे। फिर दिया गया खुले मैदान में टहलना पढ़ना चाहिए, टहलना चाहिए, पढ़ना नहीं होगा, पढ़ना कट जाएगा। फिर पवन की सम विपरीत दिशा में चलना कठिन होता है, विपरीत दिशा में कठिन होता है, सम में चल सकते हैं, विपरीत दिशा में चलना कठिन होता है, तो सम गलत है, सम को काट देंगे। फिर दिया गया है हाँ या नहीं में लिखो, तो तेज पवन से पाल वाली नौका चलती है, तो ये सही है, हाँ हो जाएगा। गीले कपड़ों का पानी हवा में चला जाता है, ये भी हाँ। पवन की दिशा में चलना कठिन है, नहीं, पवन की दिशा में चलना कठिन नहीं है, नहीं होगा। पार्क की हवा अशुद्ध रहती है, नहीं, पार्क की हवा शुद्ध होती है, तो ये नहीं हो जाएगा। जल वाष्प वायु को अशुद्ध बनाने में सहायक नहीं है, तो ये हाँ हो जाएगा। फिर दिया गया बर्फ भरे गिलास की बाहरी दीवार पर बर्फ जम जाती है, अगर एक गिलास में बर्फ रखा जाए तो उसके बाहर बर्फ जम जाती है, तो ये सही है, हाँ हो जाएगा। फिर दिया गया धुआं से आँख को हानि पहुँचती है, तो ये भी सही है, हाँ, धुआं से हमारे आँख को फेफड़ों को हानि पहुँचती है। तो बस आज इतना।